नमस्कार, कैसे हैं आप सब भाई? होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगी। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स आफ्टर ट्वेल्थ। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप एक फिलहाल ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली हुई है, आपने ह्यूमैनिटीज ली हुई है, तो फिर ट्वेल्थ क्लास के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं एंड उन कोर्सेज के थ्रू आप कहाँ कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज अपनी ढूंढ सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जितने भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया हेल्प होने वाली है। और देखिए, इससे पहले मैंने एक कॉमर्स के लिए वीडियो बनाई थी, तो मुझे लगा चलो एक आर्ट्स में हम लोग एक वीडियो बना लेते हैं, राइट? तो जितने भी से काफी हेल्प हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी जानकारी और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं भाई सीयूटी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, बाकी सेंट्रल सिटीज के अंदर लेना है, तो हम लोग सीयूटी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर और हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहां पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगते हैं तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं सीयूटी के लिए, राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, अक्सर जितने भी आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं उन्हें अक्सर सुनने को मिलता है भाई अपने रिलेटिव से, अपने सीनियर्स से, अपने भाई बहन से, वो अक्सर लोग बोलते हैं यार तूने आर्ट्स क्यों ले लिए, तुमने भाई ह्यूमैनिटीज़ क्यों ले लिए है, भाई तू बीए करेगा, बीए करने के बाद तेरे पास क्या ही ऑप्शन होंगे, बीए करने के बाद तू क्या ही जॉब कर लेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार कितने सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी ओवररेटेड आपके जो ऑप्शन है उसी से शुरू करते हैं। तो नंबर वन जो आपका ऑप्शन बन जाता है वो है बीए का ही। तो भाई बीए के अंदर भी आप अलग अलग स्पेशलाइजेशंस कर सकते हो, बीए के अंदर आप बीए प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम कर रहे हो तो बीए प्रोग्राम का बेसिक मतलब ये कि आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो अपने ग्रेजुएशन के अंदर। तो जो आपकी ग्रेजुएशन होती है उसके अंदर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी का आपने ले लिया, हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स का आपने ले लिया, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का आपने ले लिया, या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर फोकस कर सकते हो अगर आप बीए प्रोग्राम करते हैं तो, राइट? अब देखिए, बीए प्रोग्राम किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, किनके लिए ज़्यादा सही रहेगा, किनके लिए सही नहीं रहेगा, तो देखिए वो स्टूडेंट जो कन्फ्यूज़ है इस चीज़ को लेकर के कि हमें किसी एक स्पेशलाइजेशन के अंदर पढ़ाई करनी है, यानी कि वो स्टूडेंट जो भाई कन्फ्यूज़ है इस चीज़ को लेकर कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा, तो आप बीए प्रोग्राम कर सकते हो अगर आप कन्फ्यूज़ हो तो, और मास्टर डिग्री आप अपने उस सब्जेक्ट से कर सकते हैं जिसके अंदर आपकी थोड़ी क्लैरिटी आ जाए कि यार ये वाला सब्जेक्ट मेरे लिए थोड़ा सा सही है, तो इसलिए आप बीए प्रोग्राम कर सकते हैं थोड़े से अगर आप कन्फ्यूज़ है तो। इसके अलावा देखिए, बीए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस भी होती है, वो कौन कौन सी होती है। आप मान लीजिए आपको हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट? तो आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हो। तो जो भी आप ऑनर्स करोगे, तीन साल आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो उसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पर होने वाली है, तो वो आप कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यार ये सब करके हमें कौन सी जॉब मिल सकती है, क्या हमें कॉर्पोरेट के अंदर जा सकते हैं, क्या हम नहीं जा सकते हैं, तो किस तरह की हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ओपन रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, जो अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो भाई, आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, आप पीएचडी कर सकते हो, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, तो ये ऑप्शन तो आपके पास होता ही होता है। प्लस जो स्पेसिफिक आपकी फील्ड होती है उसके अंदर आप रिसर्च में जा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आप ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है मुझे तो मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर जाना है, तो आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप कैट का एग्जाम देकर के एमबीए भी कर सकते हो, और मैनेजमेंट की फील्ड में जो आप जाओगे, मान लीजिए आप आईआईएम से पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां पर भाई आपका जो पैकेज होगा वो 40 LPA 50 LPA जितना भी आप लेना चाहो, जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जा रहे हो वहां से आप वो पैकेज ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ेगी, कैट का एग्जाम क्रैक करना होगा और जो टॉप आईआईएम्स है उनको आपको टारगेट करना होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपके पास कम नहीं है। अगर आप सोचोगे यार मैंने तो आर्ट्स ले ली, मेरे पास तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं बची है, मेरे पास तो कोई ऑप्शंस ही नहीं है, किस तरीके में जॉब लगेगी, तो भाई वो सब मत सोचो आप लोग, ठीक है? जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप वही लीजिए हमेशा। सो देखिए, ये तो हो गया कुछ इस तरह की बातें जो भाई अक्सर आपको पता ही होंगी, यार आप बीए वगैरह कर सकते हो, आपको मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपके पास ट्वेल्थ क्लास में आर्ट्स विद मैथ्स है, अगर आपने ट्वेल्थ क्लास में मैथ्स भी पढ़ा है तो फिर आप वहां पर बीएससी इन मैथमेटिक्स भी कर सकते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आपने ट्वेल्थ क्लास के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप बीएससी इन मैथमेटिक्स भी कर सकते हो। और वहां पर क्या होता है, मैथमेटिक्स अगर आप करते हो तो भाई आप कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। बहुत सारी कंपनीज आती है मैथमेटिक्स ऑनर्स स्टूडेंट्स को लेने के लिए, जैसे कि जिनको डेटा साइंटिस्ट चाहिए होते हैं, जो डेटा को एनालाइज कर सके, तो उस फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। इसके अलावा देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जैसे कि डीयू भी हो गया, तो अगर आपके पास ट्वेल्थ क्लास में मैथमेटिक्स है तो आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको ऑफर करेंगी, तो आप कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हो जिसके अंदर आप आईटी सेक्टर के अंदर जा सकते हो, अगेन कॉर्पोरेट के अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरह की फील्ड्स आपके लिए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, बीएससी इन मैथमेटिक्स है, वहां पर आपके लिए ओपन हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा देखिए, मान लीजिए आपके पास ट्वेल्थ क्लास के अंदर मैथमेटिक्स भी नहीं है और फिर भी आपका मन है कि यार मुझे तो ना कंप्यूटर की मतलब जो फील्ड है उसी के अंदर जाना है, तो एक ऐसा कोर्स होता है बीसीए, जो कि अगेन आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, तो बीसीए आप कर सकते हो। और बीसीए जब आप करोगे तो वहां पर भी
आपको बैशन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पूरा नाम है, तो वहां पर भी फिर आप कंप्यूटर की जो आपकी हम बोल सकते हैं कि आईटी सेक्टर जो है वहां पर आप जा सकते हो। वहां पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज, तो वो सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और आप भी आईटी सेक्टर के अंदर जा पाओगे। बेशक आपके पास 12th क्लास में मैथ्स है, कंप्यूटर है नहीं है नहीं, या फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप बीसीए भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ बीसी जो है भाई सभी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऑफर नहीं करते, तो आप देख लीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको बीसी ऑफर कर रही है। जैसे डीयू के अंदर बेसिकली बीसी मेजोरिटी में नहीं होता है, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि बीसी आपको कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कॉलेज आपको ऑफर कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फिर देखो जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं वो एक और कोर्स है जिसको बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं और वो होता है मास कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपका मन है कि मुझे तो कैमरे के सामने बोलना है, जैसे मैं भी फिलहाल बोल रहा हूँ, या फिर आपका मन है कि मुझे तो कैमरे के पीछे बोलना है, बिहाइंड द कैमरा बोलना है, मुझे तो मीडिया की लाइन के अंदर ही जाना है, तो अगर आपका ऐसा कुछ इंटरेस्ट हो फिर आप बीजीएमसी कर सकते हो, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। वो आपका 5 साल का भी होता है इंटीग्रेशन कोर्स, और आप 3 साल की जो ग्रेजुएशन है वो भी आप कर सकते हो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के अंदर, तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया स्कोप होता है मीडिया की लाइन के अंदर। लेकिन हाँ आजकल जो हमारी मीडिया है उसका आपको पता है किस तरह से चल रही है, तो अगर आप मान लीजिए जर्नलिज्म कर रहे हो तो यार कुछ अच्छा जर्नलिज्म ही करना, ठीक है, राइट। सो देखो ये ऑप्शन आपके पास होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अब देखो कितने सारे ऑप्शन आपके पास, अगर आपको कोई बोलता है यार आर्ट्स स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं होते हैं, तो इस वीडियो का लिंक ना उन्हें जरूर भेज देना और बोलना कि देखो कितने सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और भी भाई हज़ारों ऑप्शन हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका इंटरेस्ट भाई आपको तो लॉयर बनना है, आपको जज बनना है, आपको लॉ फील्ड के अंदर जाना है, तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है BA LLB का, जिसके अंदर 5 साल की आपकी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपका BA+LLB का, जिसके थ्रू आप मान लीजिए आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हो वो सब एग्जाम्स देकर आप BA LLB कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज भी जिनका खुद का अलग एग्जाम्स होते हैं तो आप वो भी दे सकते हो, तो आप BA LLB भी कर सकते हैं। 3 साल आपको BA पढ़ाया जाएगा, 2 साल आपको LLB आपका करवाया जाएगा, और इस तरह से आप पूरे भाई लॉयर बनकर ही निकलने वाले हो, ठीक है, तो आप BA LLB भी कर सकते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं भाई जो आपको BA LLB ऑफर करते हैं, एंड अगेन DU के अंदर BA LLB नहीं होता है, DU के अंदर आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी LLB होगी, अलग से आपका एंट्रेंस होगा बाद में, फिर आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा। और हाँ इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, मान लीजिए आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो BA LLB का, तो वो आपका होता है 5 साल का, लेकिन अगर आप पहले ग्रेजुएशन कर रहे हो फिर बाद में आप कोई एग्जाम देकर के LLB कर रहे हो, देन उसके अंदर आपकी जो पूरा हो जाएगा वो BA और LLB वो आपकी हो जाएगी पूरे 6 साल की, 3 साल ग्रेजुएशन और 3 साल की आपकी LLB होगी। तो अगर आपका पहले से ही माइंड सेट है कि मुझे तो BA LLB करनी है, तो आपका 1 साल जो है वो बच सकता है, आप BA LLB डायरेक्टली कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है जिसको बोलते हैं भाई आपके UG मैनेजमेंट का मतलब है, तो जिस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मास्टर डिग्री के अंदर MBA होती है, उसी तरह से UG के अंदर आप BBA BMS कर सकते हो। BBA BMS समहाउ सिमिलर कोर्सेज होते हैं, एंड BBA BMS जो है वो फाउंडेशन कोर्सेज है MBA के, राइट। वो किस तरह से मैं आपको समझा देता हूँ, MBA मैंने कुछ ज़्यादा ही अटक के बोल दिया, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से होते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए BA जो है वो फाउंडेशन कोर्स है MA का, अब मान लीजिए जो BCOM है वो फाउंडेशन कोर्स है MCOM का, एग्जैक्टली उसी तरह से जो भाई आपका BBA है वो एक फाउंडेशन कोर्स है MBA का, तो आपको वहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स सिखाई जाती हैं। किसी भी कंपनी को मान लीजिए अगर मैनेजर्स हायर करने हैं, या तो फिर वो आपके MBA से करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन से करता है, या फिर अगर वो अंडरग्रेजुएशन में देखता है मैनेजर्स को तो वो फिर देखता है BBA BMS में से। लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो अगर आप टॉप कॉलेज को टारगेट करोगे तभी वहाँ पर काफ़ी बढ़िया पैकेज आपको मिल पाएगा, जैसे कि शहीद सुखदेव कॉलेज है, लेकिन हाँ शहीद सुखदेव में आपको मैथमेटिक्स भी चाहिए होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि ZBS मुंबई से आप BMS कर सकते हो, क्राइस्ट सिंबोसिस नारसिंह मुंजी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, तो आप वहाँ से कर सकते हैं BBA वगैरह। अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हो भाई बहुत ही बढ़िया पैकेज आपको मिलते हैं, 20 LPA तक का पैकेज आपको मिल जाता है ग्रेजुएशन के बाद ही, तो BBA BMS जो है आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन कितने सारे ऑप्शन हैं, कितने सारे हैं ना, अभी आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ, और ये ऑप्शन है IPM का, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है, अब देखिए मुझे बताया यार, आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, और आपको क्या करना है बेसिकली मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ आप उसके अंदर से ना 3-4 चीज़ों को उठा लीजिएगा जो आपको लगता है यार मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड के अंदर है, और उसके बाद उन पर रिसर्च कीजिएगा। रिसर्च करने के बाद उसमें से आप कोई एक चूज कीजिएगा, देन उसके बेसिस पर ही अपने डायरेक्शन को चूज कीजिएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, किसमें नहीं करना है, तो ये आपका पूरा फॉर्मेट रहने वाला है वीडियो का, ठीक है, आपको किस तरह से इस वीडियो को मतलब पूरी तरह से यूटिलाइज करना है। इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन होता है IPM का, IPM का मतलब बेसिकली होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना चाहते हो, 5 साल पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, जिसके अंदर ग्रेजुएशन प्लस आपकी MBA होती है, जैसे पहले BA LLB थी उसी तरह से ग्रेजुएशन प्लस आपकी जो MBA है वो आपकी होती है 5 साल के अंदर। और बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आप डायरेक्टली 12th क्लास के बाद भी IIMs के अंदर जा सकते हैं बिना कैट एग्जाम दिए हुए। वो किस तरह से, 12th क्लास के बाद एक एग्जाम होता है भाई आपका IPMAT का,
और आईपीमेट एग्जाम्स के थ्रू आप जा सकते हैं भाई, आई एम इंदौर है, रोहतक है, जम्मू बोधगया एंड रांची है, उन एग्जाम मतलब उन जो कॉलेज हैं उनके अंदर आप जा सकते हो और अपना जो आईपीएम का कोर्स है वो आप कर सकते हैं। अब जो जम्मू एंड बोधगया के लिए होता है उसको जिपमेट बोलते हैं और बाकी आईपीएमेट इंदौर अलग है, आईपीएमेट रोहतक अलग है, आपको अलग अलग फॉर्म्स इनके फिल करने होते हैं। तो इस बेसिस पर आप जा सकते हैं, आपका मन है भाई ग्रेजुएशन प्लस आपकी एमबीए एक साथ करने का तो वो आप कर सकते हैं। आई एम इंदौर का पैकेज आपको पता होगा यार, 50-50 एलपीए तक के भी पैकेजेस होते हैं आई एम इंदौर के, राइट। लेकिन आपको पता है यार आईएम्स की फीस काफी ज्यादा होती है, तो फीस जो है वो आपको 5 साल की लगभग 28 लाख से लेकर के 32 लाख के बीच देखने को मिलती है। लेकिन इनका जो प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है वो भी अगेन काफी ज्यादा बढ़िया आपको आईएम से मिलता है। तो आप ये भी कोर्स एक बार थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो, आप सीयूटी दे रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए या फिर आप आईपीमेट जिपमेट दे रहे हो, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपके करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या बस व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दीजिए और अगर हमारे पास वो कोर्स अवेलेबल होगा तो हम लोग आपको बता देंगे और आप भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है, राइट। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज के बारे में जो आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे डिजिटल मार्केटर बनना है, तो देखिए आज के टाइम पर भाई डिजिटल मार्केटिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली पेइंग जॉब बन चुकी है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले बहुत सारी कंपनीज थी वो प्रमोशंस के लिए क्या करती थी, बड़े बड़े बैनर्स लगवाती थी। बैनर्स आपको अभी दिख जाएंगे लेकिन उनकी वैल्यू अब काफ़ी कम हो चुकी है। पहले क्या होता था, पहले जब इंटरनेट नहीं था, डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो बैनर्स काफ़ी ज़्यादा काम आते थे। लेकिन अब जो है भाई डिजिटलाइजेशन आने के बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा जो कंपनी इन्वेस्ट करती है वो करती है अपनी मार्केटिंग के अंदर। एंड मार्केटिंग बेसिकली होती है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। आप देखते हो यूट्यूब पर एड्स आती हैं, मेरे स्टूडियो से पहले भी एड आई होगी, या फिर आप देखते होंगे कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, काफ़ी जगह पर एड आती है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट होती है वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तो अगर आप भी चाहते हो कि यार डिजिटल मार्केटिंग मुझे करनी है, तो उसके भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट हो, आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, उसके भी अगेन काफी सारे कोर्सेज होते हैं, फैशन डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और भी भाई हज़ारों डिप्लोमाज हैं, अगर आप थोड़ी रिसर्च करोगे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको ये बोलते हैं यार आर्ट्स लेने के बाद तो क्या ही कर पाएगा, तो उसको वीडियो जरूर जरूर भेज देना, राइट। इसके अलावा देखिए आप ग्रेजुएशन के बाद भाई यूपीएससी दे सकते हो, स्टेट पीसीएस वगैरह दे सकते हो, एससी वगैरह दे सकते हो, सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है भाई जहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए कि यार मैंने आर्ट्स ले ली है, मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले ली है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ये कभी मत सोचिएगा। अगर मान लीजिए कोई 10th क्लास का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूँगा कि भाई जिस भी चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है आप उसे ही चूज़ करो। ये मत देखो कि यार मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, मेरे अंकल ने क्या किया था, या फिर मेरे पड़ोस के लड़के ने क्या किया जिससे उसकी इतनी बढ़िया सैलरी हो गई है, तो उसको मत देखो। आपका जो इंटरेस्ट है आप वो करो। बहुत बार आपको देखने को मिलता है यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो अपनी पसंद का कोर्स चूज़ करते हैं, या फिर जो म्यूज़िक फील्ड के अंदर ही जा रहे हैं। अब सोसाइटी से बोलेगी तो म्यूज़िक क्यों चूज़ कर रहा है, लेकिन बाद में जब वो फेमस हो जाता है सोसाइटी बोलती है कि यार हम लोग बहुत ज़्यादा इसको मोटिवेट करते थे कि तुझे यही करना चाहिए, यही करना चाहिए, उसके बाद देखो आज क्या बन गया है। तो अक्सर ना लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, इसी तरह से लोग चलते रहेंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि यार आपके लिए क्या सही है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, राइट। तो ऐसे इन्फ्लुएंस मत होना सोसाइटी से कि यार सोसाइटी क्या सोचेगी। वही बात है यार मूवीज़ वाली की, शर्मा अंकल का बेटे ने ये किया मैं भी वही करूँगा, या शर्मा अंकल जी क्या सोचेंगे, वर्मा अंकल जी क्या सोचेंगे। तो यार ये सब मत सोचना आप लोग, और आप बस मतलब अपने जो इंटरेस्ट है उसको आप देखो कि यार मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, और तभी आप अपनी सही जगह पर पहुँच पाओगे, वरना आप नहीं पहुँच पाओगे कभी भी। सो काफ़ी ज्ञान हो गया आज की वीडियो के अंदर, राइट। बट आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हो भाई सीयूटी के लिए या फिर बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, बीबी बीएमएस के लिए, आईपीएमएट वगैरह के लिए, तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी आपकी करवाते हैं। बट बस हाँ, वो एलएलबी वगैरह क्लैट वगैरह हम प्रिपरेशन नहीं करवाते हैं, सीयूटी की करवाते हैं, बीबी बीएमएस आईपीएमएट वगैरह की करवाते हैं। तो अगर आप उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोज वहाँ पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियोज सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।